क्या कर रहा है तू यहाँ? मरना चाहता है? क्यों आता है बार बार इस घर में? क्या रखा है तेरे लिए इस घर में? पैसा जो तुम मुझे नहीं देती हो, यहाँ से कुछ भी लेकर जाता हूँ जाकर बेच देता हूँ। अरे दो चार दिन का गुजारा हो जाता है मेरा। तेरी यही हरकत तुझे एक दिन जेल भिजवाएगी। मैं तुझे जितना बचाना चाहती थी बचा लिया, अब अगर तू मरना चाहता है ना तो मैं क्या करूं? अगर अगर वन्ना ने तुझे देख लिया तो चाहता हूं मैं कि वो मुझे देख ले, मुझे पकड़ ले, ताकि मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूं। क्या बता दे? हाँ, क्या सच सच जानता है तू? यही यही कि वंदना मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। अरे मैं उनको ये बार बार रोता हुआ नहीं देख सकता। तू तू उसकी क्या हेल्प कर सकता है? अरे जेल काट कर आई है वो, और तू भी जेल जाएगा। तुमने तभी मुझे कुछ नहीं कहने दिया। जिस रात यहाँ खून हुआ क्या उस रात मैं इस घर में नहीं था? चुप चुप, कोई सुन लेगा तो मेरी नौकरी भी जाएगी और पुलिस तेरी पिटाई भी करेगी। मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे कुछ बातें नहीं बतानी है और घर में भी नहीं आना है। दवा की गोली तो खाता है, अब बंदूक की गोली भी खाएगा। चल चल मेरे साथ, निकल यहाँ से, चल चल मेरे साथ। और अब कुछ वंदना नेगी के केस के बारे में। बेशक वंदना अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में 7 साल की सजा भुगत चुकी है। कानून के नजर में वो अपराधी हो तो हो, लेकिन नए गवाहों और सूत्रों के अनुसार ये साफ पता चलता है कि डॉक्टर समीर की हत्या का जिम्मेदार कोई और हो सकता है, वंदना नहीं। डॉक्टर समीर का संबंध किसी सुषमा नाम की नर्स के साथ था, जो आज उसके बच्चे की माँ है। आश्चर्य की बात यह है कि सुषमा मल्होत्रा हॉस्पिटल में ही एडमिटेड है और अब कोमा का शिकार बन गई है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहते हैं कि मल्होत्रा हॉस्पिटल में कई कोमा के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चल गया है कि मल्होत्रा हॉस्पिटल के मरीजों पर तरह तरह के अनजाने प्रयोग किए जा रहे हैं, और इसी प्रयोग के कारण वो कोमा में चले जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम वंदना नेगी से बराबर से संपर्क बनाए हुए हैं और बहुत जल्दी हम उनका सच आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इसमें वंदना नेगी को भी खतरा है और मुझे भी, क्योंकि वंदना पर 3 बार अटैक किया गया था और मुझे 3 बार धमकी दी गई थी कि मैं ये केस छोड़ दूँ। लेकिन वंदना और मैंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, हम दुनिया के सामने सच जरूर प्रस्तुत करेंगे। अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुंबई शहर की कुछ